माने तो ओम प्रकाश राजभर ने भितरखाने समाजवादी पार्टी की मदद की थी। यहां तक कि शिवपाल यादव और राजभर की लड़ाई भी अब खुलकर सामने आने लगी है और वार पलटवार का दौर जारी है। शिवपाल ने कहा कि राजभर और संजय निषाद दोनों बहुरूपियां हैं, जिस पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है। शिवपाल यादव ने कहा कि ओपी राजभर और संजय निषाद समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़े। तो राजभर ने पलटवार में कहा अब चश्मा उतार कर ही मानेंगे, जब सुधाकर सिंह और शिवपाल ने कहा घोसी में राजभर सपा के स्टार प्रचारक थे तो जवाब आया कि चाचा शिवपाल खुद दल बदलू है और इसी तरह दोनों तरफ से छिड़ी जंग पर्सनल लेवल पर चली आई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राजभर और शिवपाल आमने सामने आ गए। तो ये तो बहुरूपिये हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ बहुरूपिये हैं। घोसी उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी इसे 24 की झलक बता रही है। बयानबाजी और तंज का सिलसिला उपचुनाव के दौरान से ही जारी है। इसी कड़ी में मैनपुरी पहुंचे घोसी के विधायक सुधाकर सिंह ने राजभर को लेकर बड़ी बात कही। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर ने चुनाव को लेकर खुलकर बात की और सुसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर किए गए सवालों पर कहा कि वो तो हमारे साथ है, वो घोसी में सपा को जिताने के लिए काम कर रहे थे। हमारे मित्र हैं, मित्र सबको मतदान करा रहे थे। पहले के नहीं ना, अब क्या राजभर की बात कर रहे हैं ना, वो अंदर सब हमारे साथ हैं। राजभर भी आप अंदर जाते हैं। हाँ, हम सब हमारे मित्र हैं। उधर मैनपुरी से लखनऊ पहुंचे घोसी के विधायक सुधाकर सिंह को यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ भी दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। घोसी में जीत से गदगद सुधाकर सिंह इस जीत का सारा श्रेय घोसी की जनता को दे रहे हैं। हमारी जीत क्या है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको टिकट दिया, उनका मैं आभारी हूँ। घोसी की जनता ने लड़ा, घोसी की जनता ने जीता, उसमें मेरा क्या हाथ है। कितना मुश्किल था सब सीक्वेंस को बना पाना और तमाम चीजों को, क्या चैलेंजेस फील्ड पर आए थे आपके सामने? कोई भी युद्ध आसान नहीं होता है, युद्ध तो संघर्षशील होता ही है, जिसमें युद्ध में संघर्ष न हो वो युद्ध ही कैसा। अपनी सियासी बयानबाजी के कारण ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव से लेकर अब तक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर उन पर तंज कसा है और ओम प्रकाश राजभर को बहुरूपिया बताया है। यही नहीं, शिवपाल ने संजय निषाद को भी इसी कैटेगरी में रखा है। ये चुनाव हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के और वहाँ की जनता ने जिता दिया है। वैसे तो जो आपने नाम लिए हैं इनके बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो ये तो बहुरूपिये हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ बहुरूपिये हैं। तो वहाँ की जनता ने इन बहुरूपियों की कोई बात को माना नहीं और उनको हरा करके उनकी बात को स्वीकारा नहीं। ये कोई पहली बार नहीं जब शिवपाल ने राजभर की चुटकी ली है। इससे पहले भी शिवपाल ने राजभर को अपना स्टार प्रचारक बताते हुए तंज कसा था और कहा था कि ओपी राजभर ने एनडीए के लिए प्रचार किया तभी समाजवादी पार्टी को जीत मिली और जल्द ही राजभर को मंत्री नहीं बनाया गया तो वो फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।